नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। स्वागत है आपका A1 न्यूज में। आइए रुक करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने की पूरी संभावना है। वह 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ NDA के उम्मीदवार चुने गए हैं। वह 23 जून तक अपना नामांकन दाखिल करेंगे। निर्वाचन मंडल में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 55% से ज्यादा वोट है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोविंद की पदोन्नति निश्चित है। अफगानिस्तान और भारत के बीच एयर कार्गो कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद एक के एयरक्राफ्ट 60 टन हींग के साथ नई दिल्ली पहुंचा। इस मौके पर एयरक्राफ्ट की अगवानी के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, नागरिक उड्डयन मंत्री गजपति राजू, विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर वहां मौजूद रहे। हवाई कॉरिडोर दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के साथ चारों ओर से जमीन से घिरे अफगानिस्तान को भारत के बाजारों तक लाएगा। समाजवादी कुनबे में खटपट जारी है। इसी के चलते सोमवार को UP के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इफ्तार पार्टी में उनके पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव नहीं दिखे। बता दें कि हाई प्रोफाइल इस इफ्तार पार्टी में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी अखिलेश की इस पार्टी में शिरकत नहीं की। दिल्ली के रमेश नगर वार्ड में निगम पार्षद वीना वर्मानी ने स्थानीय निवासियों को हाउस टैक्स दफ्तर की भीड़ से बचाने के लिए हाउस टैक्स आपके द्वार का आयोजन किया। इसमें हाउस टैक्स अधिकारियों ने रमेश नगर क्षेत्र में कैंप लगा के हाउस टैक्स जमा किया। इस कैंप में लोगों ने काफी संख्या में भाग लिया। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली की NGO सक्रिय हो गई हैं और मॉनसून के इस मौसम में वृक्षारोपण का कार्य कर रही हैं। इसी को देखते हुए अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं रमेश नगर 8 ब्लॉक RWA के चेयरमैन धर्मवीर आनंद और RWA के समस्त पदाधिकारियों ने पार्क में 100 से अधिक पौधे लगाकर वातावरण को स्वच्छ बनाने के साथ सौंदर्यकरण का कार्य किया। दिल्ली के कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर सोमवार की रात 25 वर्षीय युवक ने रात को ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि युवक की पहचान रवि के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उसे जब अस्पताल लाया गया तब डॉक्टर ने उसे मरीज घोषित कर दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में महिला के साथ चलती कार में गैंगरेप की वारदात सामने आई है। हरियाणा के सोहाना की रहने वाली 35 साल की महिला को 3 लोगों ने स्विफ्ट कार से सोमवार को रात अगवा कर लिया। साथ ही उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे ग्रेटर नोएडा के कासना के पास फेंक दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। आयकर विभाग ने राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी सांसद डॉक्टर मीशा भारती को 2 संपत्ति जब्त कर ली और दोनों ही बेनामी संपत्ति बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि इनमें दिल्ली का एक मकान और जमीन का एक प्लॉट शामिल है। आयकर विभाग के मुताबिक यह कार्रवाई बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत की गई। बिहार के स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आज 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने की तिथि की घोषणा कर सकता है। अब बिहार बोर्ड नए नियमों के आधार पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि फैसले के अनुसार छात्रों को 8% अंक तक ग्रेस मिलेगा और साथ ही डिवीजन में कुछ मार्क्स से छूटने पर छात्रों को 5 अंक का लाभ दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में गुरुवार तक सुबह रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक समरजीत चौधरी ने बताया कि पूर्व से पश्चिम की ओर बादलों की एक रेखा सी बनी है, इसे ट्राफ कहते हैं और इसके चलते ही देश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान तापमान में भी कमी आएगी। भारत संयुक्त राष्ट्र के TIR कन्वेंशन से जुड़ने वाला 71वां देश बन गया है। आपको बता दें कि TIR कन्वेंशन से दक्षिण एशिया एवं उसके बाहर भारत को अपने व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही इससे व्यापारिक केंद्र बनने की भारत की स्थिति मजबूत होगी। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर के प्रमोशन के लिए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का साथ लिया है। बता दें कि टैक्स सुधार के रूप में GST को 1 जुलाई से लागू किया जाना है। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एवं कस्टम के लिए अमिताभ बच्चन को GST का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और एक वीडियो तैयार की गई है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया और TV पर जरिए प्रसारित की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक हार के बाद भारत के पास फिर से एक मौका होगा कि वह वेस्ट इंडीज में अपनी धाक जमा सके। कप्तान विराट कोहली के सामने चुनौती होगी कि वह एक बार फिर से खुद को साबित करे और टीम की फिर से लय में वापसी कराएं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। सूत्रों का कहना है कि कोहली ने कुंबले के कार्य प्रणाली को लेकर विरोध खुलकर दर्ज करा दिया है। साथ ही कप्तान और कोच के बीच रिश्तों में अब कभी ना भरने वाली दरार आ चुकी है।
मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।